रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑन जोजी मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो फाइनली दोस्तों आज का जो वीडियो है वो काफी ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज की वीडियो जो है स्पेशली गेमर्स के लिए है। मैंने आज की वीडियो के जो है दो तीन पोर्शन बनाए हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा स्मार्टफोन जो है वो आपके लिए बेस्ट है गेमिंग में। जैसे कि आपको पता है रिसेंटली इतने ज्यादा स्मार्टफोन्स मार्केट में हैं, लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं कि कौन सा स्मार्टफोन जो है हम परचेज करें बजट होने के बावजूद। मैं आपको बताऊंगा 20,000 रुपए के बजट में आपको कौन सा गेमिंग स्मार्टफोन जो है परचेज करना चाहिए, या फिर कौन सा गेमिंग स्मार्टफोन है जो बेस्ट है। फिर 30,000 से लेकर 25,000 रुपए के बजट में कौन सा गेमिंग स्मार्टफोन बेस्ट है, और 42,000 रुपए के बजट से लेकर 35,000 रुपए के बजट तक कौन सा स्मार्टफोन है जो आपके लिए गेमिंग में बेस्ट होने वाला है। वैसे तो बहुत सारी डिवाइसेस हैं दोस्तों, मैं आपको सारी डिवाइसेस का बताऊंगा कि इनमें से कौन सा डिवाइस आपको परचेज करना चाहिए और कौन सा डिवाइस जो है वो गेमिंग के लिए बेस्ट होने वाला है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो आपने एंड तक वॉच करना है। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई वीडियो भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए दोस्तों आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम गिव अवे का जो है अनाउंसमेंट्स करते रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हमारा जो गिव अवे का सिलसिला है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो आपने जो है चैनल के साथ बने रहना है। तो यहाँ पर दोस्तों डिवाइसेस को लेकर बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 20,000 रुपए के बजट में कौन सा गेमिंग डिवाइस जो है वो बेस्ट है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि तीन डिवाइसेस ऐसे हैं जो कि गेमिंग के लिए यूज होते हैं इस टाइम में मार्केट में। सबसे पहले रियलमी C3 जो कि 20,000 रुपए के बजट में आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा फिर आ जाता है टेक्नो का स्पार्क 6 जो कि स्पेशली गेमिंग के लिए जो है तैयार किया गया है। और तीसरा स्मार्टफोन आ जाता है इन्फिनिक्स का हॉट 10। अब इन तीनों डिवाइसेस में से आपको 20,000 रुपए के बजट में कौन सा डिवाइस जो है वो परचेज करना चाहिए। तीनों डिवाइसेस की प्राइस सेम है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुछ इनको लेकर कंफ्यूजन है, तो वो मैं दूर करने वाला हूँ। C3 जैसे कि आपको पता है 1 साल पुराना मॉडल है, तो यहाँ पर जो है आपको 3GB रैम एंड 32GB मेमोरी देखने को मिल जाती है, और G70 का आपको यहाँ पर जो है चिपसेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर तीनों ही डिवाइसेस में आपको MediaTek का G70 चिपसेट देखने को मिल जाता है, लेकिन टेक्नो और इन्फिनिक्स में आपको जो है 4GB रैम एंड 64GB मेमोरी वाला वेरियंट जो है वो देखने को मिल जाता है। जबकि C3 में ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमें जो है मेमरी का इशू देखने को मिल जाता है और रैम का इशू भी जो है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इन्फिनिक्स और टेक्नो जो है वो बाकी रह गए। अब इनमें से दोनों स्मार्टफोन का मैंने जब गेमिंग टेस्ट किया तो मुझे तकरीबन क्वालिटी सेम लगी, लेकिन जो टेक्नो का स्पार्क 6 है उसमें ज्यादा अच्छी आपको जो है गेमिंग क्वालिटी और ज्यादा अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी जो है आपको MediaTek का G70 देखने को मिल जाएगा, और प्राइस जो है इन्फिनिक्स के हॉट 10 जितनी ही है, लेकिन इन्फिनिक्स के हॉट 10 में भी दो वेरिएंट है, एक 4GB रैम एंड 128GB मेमोरी वाला वेरिएंट है जो कि आई थिंक 24,000 से 25,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में है। पर अगर हमने 20,000 रुपए के बजट में बात करी तो 20,000 रुपए के बजट में दोस्तों अगर आपको पबजी के लिए कोई स्मार्टफोन चाहिए तो मैं आपको टेक्नो का स्पार्क 6 रिकमेंड करूंगा, क्योंकि टेक्नो के स्पार्क 6 में जो हमें लोको डिजाइन देखने को मिल जाता है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर दोस्तों हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन जो है आपको 25,000 रुपए के बजट में जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर आपका 25,000 रुपए का बजट है तो 25,000 रुपए के बजट में कौन सा गेमिंग स्मार्टफोन जो है वो आपको परचेज करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों दो स्मार्टफोन्स जो है निकल कर आते हैं, एक तो टेक्नो का पोवा और दूसरा जो स्मार्टफोन है वो इन्फिनिक्स का Note 8i जो कि अभी तक पाकिस्तानी मार्केट में नहीं आया, लेकिन टेक्नो पोवा जो है वो आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाता है। ऑफलाइन मार्केट में ये स्मार्टफोन जो है अवेलेबल है। यहाँ पर दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले मैं जो इनकी प्राइस है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। 25,000 रुपए के बजट में दोनों स्मार्टफोन जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। दोनों स्मार्टफोन्स की 6GB रैम 128GB मेमोरी, MediaTek का G80 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और प्रोसेसर स्पीड यहाँ पर जो है आपको 2.0 GHz की ऑक्टाकोर की प्रोसेसर स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर चेंज ये है कि जो इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन है उसमें आपको 48 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा, जबकि टेक्नो पोवा में आपको जो है 13 MP का मेन सेंसर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इन्फिनिक्स Note 8i में आपको जो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी दी जाएगी, जबकि टेक्नो पोवा में जो है आपको अभी तक किसी किस्म की प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई। अब यहाँ पर टेक्नो की जो बैटरी है वो 6000 mAh की है और 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग का स्पॉट है। दूसरी तरफ आ जाए तो इन्फिनिक्स की तरफ जो है आपको 5200 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसमें 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग आपको स्पॉट देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर इन्फिनिक्स वालों ने थोड़ा सा जो है कैमरा को भी हिट किया है, तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप 25,000 रुपए के बजट में अगर कोई गेमिंग स्मार्टफोन परचेज करते हैं तो फिर आप जो है इन्फिनिक्स का Note 8i का वेट कर सकते हैं, क्योंकि बेस्ट डिवाइस है जिसमें कैमरा भी आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा और वो एक अच्छी गेमिंग भी जो है आपको प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस बजट में अगर आपको स्मार्टफोन चाहिए तो मैं आपको इन्फिनिक्स का Note 8i रिकमेंड करूंगा। बहुत
जल्द आपको जो है पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। सो गाइज नेक्स्ट स्मार्टफोन्स की तरफ आ जाते हैं, तो जिन लोगों का बजट जो है वो थोड़ा ज्यादा है तो उनके लिए जो है कौन सा गेमिंग स्मार्टफोन जो है वो बेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली 3 से 4 गेमिंग स्मार्टफोन्स जो है निकल कर आए हैं, लेकिन मैं मेन स्मार्टफोन्स की बात करूंगा जिसमें शाओमी की तरफ से पोको X3 आपको देखने को मिल जाता है, टेक्नो की तरफ से टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर और इन्फिनिक्स की तरफ से सबको पता है कि इन्फिनिक्स का 08। बेसिकली दोस्तों तीनों डिवाइसेज जो हैं तकरीबन सेम बजट में आती हैं, लेकिन जो पोको X3 है वो आपको 2000 रुपये थोड़ा महंगा देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम कंपेरिजन करेंगे और कौन सा स्मार्टफोन जो है इन तीनों में से बेस्ट होने वाला है। जैसे कि आपको पता है पोको X3 में आपको जो है 6GB रैम एंड 128GB मेमोरी देखने को मिल जाती है, और इन्फिनिक्स और टेक्नो के स्मार्टफोन में जो है आपको 8GB रैम एंड 128GB मेमोरी देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में आपको किसी किस्म का HDR10 का जो है फीचर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है और 1080 की पिक्सल रेजोल्यूशन देखने को मिल रही है। वहीं पर टेक्नो भी जो है सेम टू सेम स्पेसिफिकेशन आपको जो है प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन टेक्नो में जो है आपको HDR10 का फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ पोको X3 की, तो पोको X3 में यहाँ पर दोस्तों आपको जो है 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, दूसरे डिवाइसेज में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पर आपको जो है 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों चिपसेट्स की तरफ आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो यहाँ पर जो चिपसेट फिट किया गया है टेक्नो और इन्फिनिक्स में आपको जो है मीडियाटेक का G90T चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि मीडियाटेक का तक का सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइजेशनल चिपसेट है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पोको X3 की, तो पोको X3 में आपको जो है वर्ल्ड का फर्स्ट चिपसेट जो कि फर्स्ट टाइम किसी स्मार्टफोन में यूज किया है स्नैपड्रैगन 732G का, यहाँ पर आपको जो है चिपसेट देखने को मिल जाएगा जो कि 2.3 GHz ऑक्टाकोर की प्रोसेसर स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पर हम जो है परफॉर्मेंस को लेकर बात करते हैं, तो जो चिपसेट जो है हमें पोको X3 में देखने को मिल जाते हैं वो आई थिंक सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइजेशनल चिपसेट है, जो कि 8 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है और प्रोसेसर स्पीड भी वो हमें अच्छी प्रोवाइड करता है, वहां पर रैम हमें कम देखने को मिल रही है लेकिन स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। ओवरऑल तीनों स्मार्टफोन्स में जो है 64 MP का मेन कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा, टेक्नो और इन्फिनिक्स में आपको जो है 45 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है और साथ में जो है 33V का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और पोको X3 में आपको जो है 5000 mAh की बिगर बैटरी देखने को मिल रही है जिसमें आपको जो है 33V का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात यह रहती है कि कौन सा स्मार्टफोन जो है इन तीनों स्मार्टफोन्स में से परचेज करना चाहिए, तो गेमिंग के लिए अगर आप कहते हैं कि ऐसा स्मार्टफोन हो जिसके फ्रेम रेट्स बिल्कुल ड्रॉप नहीं हो, तो मैं पोको X3 को लेकर बात करूंगा। मैं रिकमेंड करूंगा आप जो है गेमिंग के लिए अगर स्मार्टफोन परचेज करते हैं तो इन्फिनिक्स टेक्नो के बजाय आप जो है शाओमी की तरफ से जो स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस हुआ है पोको X3 आप इसको परचेज करें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसका रिव्यू गेमिंग रिव्यू भी देखेंगे तो वहां पर जो इसके फ्रेम रेट्स जो ड्रॉप्स हैं वो काफी ज्यादा कम है दूसरे स्मार्टफोन्स के मुकाबले में, और यहाँ पर आपको जो है रिफ्रेश रेट भी अच्छा देखने को मिल रहा है। सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर जो चिपसेट है वो काफी ज्यादा ऑप्टिमाइजेशनल चिपसेट यूज किया गया है। तो इन स्मार्टफोन्स में दोस्तों अगर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ तो 40,000 रुपए के बजट में अगर आप स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं तो आप जो है पोको X3 परचेज करें, 42,000 रुपए प्राइस है, आपको ऑफलाइन मार्केट में जो है 40,000 रुपए तक पिन पैक मिल सकता है। दूसरी तरफ आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 25,000 रुपए के बजट में अगर आपको स्मार्टफोन परचेज करना है तो आप फिर इन्फिनिक्स का नोट 8i का वेट कर सकते हैं, और 20,000 रुपए के बजट में अगर आपको स्मार्टफोन परचेज करना है तो आपको जो है टेक्नो स्पार्क 6 जो है आपको परचेज करना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको कौन सा डिवाइस बेस्ट लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई होप आज की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पसंद आई होगी, ऐसी वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।